हरियाणा के करनाल जिले में सिख समाज के लोगों ने अर्थी फूक मार्च कढ़िया। इस दौरान सतनाम वाहेगुरु का जाप करदिया शांति अते भाईचारक सांझ बनाई रखने की अपील की। राष्ट्रपति नूं मंग पत्र भेज के धर्म अते जात के नां ते हो रहे दंगियां नूं रोकने की मंग भी की गई। सिख भाईचारे के लोग सब तो पहला डेरा कार सेवा करनाल विखे इकट्ठे होए, उत्थों रोस मार्च करते हुए वह जिला सकत्रेत पुजे। हाल ही विच करनाल विच सिख समाज नूं लैके टिप्पणियां होईयां सन। सैक्टर 13 विच भिंडरां वालिया की तस्वीर कारण स्कॉर्पियो कार की लीड ते भन तोड़ की गई। मार्च निकाला, क्या मकसद था इसका? करनाल में जो आज रोस मार्च निकाला गया, इसका मकसद ये है समाज में लगातार भाईचारा बिगाड़ने की, धार्मिक मोल बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं, घटनाएं की जा रही हैं, और सरकार का ध्यान दिलवाना है भी उन लोगों पर, शरारती तत्वों पर कानूनी कार्रवाई हो पाए ताकि एक हमारे प्रदेश का, इस देश का एक जो भाईचारा बना रहे। तो आज उसी के लिए रोस मार्च निकाला गया है। सरकार इस पे ध्यान दे क्योंकि ये देश सब धर्मों से मिलकर बना है, सभी ने मिलकर इस देश को आजाद कराया है। तो यहाँ पर जो शरारती तत्व किसी भी धर्म से, जो किसी तरीके का किसी भी दूसरे धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे या कैसे भी, उन सभी पे साथ के साथ कार्रवाई की जाए। तो ज्ञापन सौंपा है आज, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। पूरे प्रदेश की ये जो सरकार है इसको सख्ताई से पेश आना पड़ेगा और इन लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये जो बीजेपी ने दूसरी स्टेटों की तरह, जैसे यूपी में, दिल्ली में आप देख रहे हो, जगह जगह धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं, वही प्रयोगशाला यहाँ हरियाणा में भी ये लागू करना चाहते हैं। उसी के तहत यहाँ पिछले दिनों 2-3 ऐसी घटनाएं हुई हैं, उसी के खिलाफ आज समस्त मतलब हरियाणा के भाईचारे ने आज ये रोस मार्च निकाला है कि ऐसी घटनाएँ बंद की जाएँ और भाईचारा जो आपस का है वो कायम रहे। जो तस्वीरें तोड़ी थी उसको लेकर भी शिकायत दी है? बिल्कुल, वो भी और भी घटनाएँ हुई हैं। महाराणा प्रताप की जयंती वाले दिन भी 2-3 घटनाएं हैं जो जिनके संदर्भ में आज ये सामाजिक भाईचारा कायम रहे और सरकार इन तत्वों को ज्यादा हवा ना दे, इसीलिए आज ये रोस मार्च निकाला गया। आपका शुभ नाम? हैप्पी ओलख।